दोस्तों, जैसे अब हमारे सामने ये स्टार्टर है, अलग अलग अच्छे अच्छे स्टार्टर है। सूप है, सूप तो कहीं भी खाने जाओ तो उसकी जान सबसे पहले सूप ही याद आता है, तो काफी अच्छा भी। वाओ, नाइस मंचूरियन सूप है। आप देख सकते हैं प्लेटर भी, ये अलग अलग वैरायटीज चिकन में है। और नाइस, बहुत अच्छा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास तौर पर। दोस्तों, आज हम निकले हैं थोड़ा एंजॉय करने और छुट्टी मनाने। तो एंजॉय और छुट्टी मनाने के लिए डेस्टिनेशन, ऐसे तो कई डेस्टिनेशन जा सकते हैं, लेकिन कहीं बैठकर अच्छा कुछ खाया जाए, ये एक सबसे अच्छा छुट्टी मनाने का तरीका हो सकता है। परिवार के साथ कहीं बैठकर कुछ खाया जाए, तो हमने सोचा वसई में कभी नया नया काफी सुंदर A1 दिल्ली दरबार नाम का ये रेस्टोरेंट शुरू हुआ है। यहाँ आए, आपको मुलाकात कराते इस रेस्टोरेंट से, क्या रेस्टोरेंट की खासियत है, क्या कुछ इसके ऑप्शंस है, आपको दिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस A1 दिल्ली दरबार की इस जर्नी में। यहाँ देखिए, बाहर आप देख सकते हैं जिस तरह से इनका ये सेटअप है, और जो तंदूरी का जो यहाँ पर सामान है, काफी एक चीज अच्छा है कि हाइजीन जो है वो बेहतर दिखाई दे रहा है। जो इनके कुक्स वगैरह है वो प्रॉपर, जिस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए उस तरह से ड्रेसअप है, ये एक अच्छी चीज है। अमूमन रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो हाइजीन का थोड़ा लापरवाही होती है, लेकिन यहाँ फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं नॉनवेज तंदूर का प्रोसीजर शुरू है। अंदर बैठने की काफी अच्छी व्यवस्था है, ये दो माले का बना हुआ है। नीचे भी ऐसी है हालांकि, लेकिन ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम बोल सकते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम है, फैमिली रूम है, और नीचे है। चलते हैं अंदर, यहाँ का हमने आपको दिखाई दिया। यहाँ हम अंदर इस समय भी आए हैं, देखिए आप, इनका ये रिसेप्शन काउंटर है। उसके बाद में इनके जितने भी स्टाफ है उन्होंने खाने में बाल नहीं गिरे, इसको लेकर सर पे ये एक स्पेशल जो कुक का रहता है वो पहना हुआ है। और जो मैंने बाहर कहा कि हाइजीन, खाने में हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये तो बात हुई साफ सफाई की और हाइजीन की। अब हम आगे की जर्नी में आपको बताएंगे कि खाने में क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है और किस तरह से उसका प्राइसिंग है, और हम आपको वीडियो के अगले पार्ट में दिखाएंगे, आप जरूर देखिए। ये हम यहाँ खड़े हैं, इसको इन्होंने हम नाम दिया है, ये अलग से एक रूम है, इसको दस्तरखान नाम दिया है। एक्चुअली मुस्लिम रीति रिवाज से जिस तरह से परिवार के लोग एक साथ बैठकर दस्तरखान पर जो एक साथ बैठकर पूरा परिवार खाना खाता है, तो उसकी व्यवस्था यहाँ है। नीचे बैठने के लिए गादी लगी हुई है, और ये प्लेटफॉर्म है जिसपे की थाली में अच्छे से सजाकर दस्तरखान जिस तरह से लगता है वो यहाँ खा सकते हैं। सबसे अहम बात की सब जगह ऐसी है, हमने पहले ही बताया, पंखे की व्यवस्था है, और साथ ही साथ यहाँ पर सीसीटीवी सिक्योरिटी के हिसाब से कभी कोई कस्टमर आए तो उनको कुछ परेशानी ना हो, सीसीटीवी का भी बंदोबस्त बहुत अच्छा है। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, खाने में क्या क्या है सबसे इम्पोर्टेंट वही है, और उसकी प्राइसिंग क्या है उसकी बात कर लेते हैं। वो अंदर दस्तरखान जो मुस्लिम रीति रिवाज से जिस तरह से खाया जाता है वो हमने दिखाया। अब यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा है कि किसी तरह की आप कॉन्फ्रेंस करना चाहे, किसी तरह का या फैमिली हो जिनको एकांत चाहिए, तो आराम से यहाँ फैमिली बैठकर, और काफी अच्छा स्पेस है बैठने के लिए, जगह है, और एकदम से बैठक भी कुर्सी नहीं होकर नीचे गादी की बैठक है, तो ऐसा फीलिंग आता है जैसे हम घर पे बैठ के ही खा रहे हो, तो काफी अच्छा लगा। अब बस इंतजार खत्म करवाइए, खाने में क्या है वो लाइए। अब एक मिनट हमारे साथ, हमारे साथ इस होटल के संचालक मोहम्मद असलम जी है। असलम सर, क्या कहना चाहेंगे, आपने नया नया अभी होटल शुरू किया? 15 अगस्त को हमने स्टार्ट किया है। हाँ जी, तो
क्या किस तरह से आपकी सर्विसेज है, क्या आप लोगों को सर्विसेज देते हैं, क्या लोग बताएंगे खा के कैसा खाना बनाते हैं हम लोग, हम तो बना रहे हैं, पब्लिक बताएगी कैसा टेस्ट है। मैंने सुना है कि आपके जो कुक है वो स्पेशल दिल्ली से आए हैं, स्पेशल आसिम शेफ नाम है उनका जी, और दिल्ली में जो खास दिल्ली के जो जामा मस्जिद व्यंजन है हाँ, वो वहाँ का खाना यहाँ लेके आए हैं, जैसे वहाँ की बिरयानी है, नहारी है, चाप है, वो कीमा फ्राई है वहाँ का, वो सब लेके आए हैं। तो आपका जो स्पेशल क्या है और उसकी प्राइस क्या है? बहुत रिजनेबल रेट है हमारा, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत रिजनेबल है। और हमारा मेन फेमस है तंदूरी, जैसे मटन सीख कबाब, चिकन सीख कबाब, पहाड़ी टिक्का, चिकन टिक्का, तवा भेजा फ्राई, तवा गुर्दा फ्राई, चिकन भुना, भेजा रोटी रोल, ये है हमारे स्टार्टर में है, मलाई टिक्का है। फिर हम आते हैं अंदर, चाइनीज़ है हमारा, चाइनीज़ में पूरा कॉन्सेप्ट चाइनीज़ का है, इंडियन में है, बिरयानी है, वही दिल्ली का खाना जो मैंने बताया आपको, पूरा दिल्ली का खाना है। एक मैंने सुना है कि एक वो थाल एक नहीं, हमारे पास 4 से 5 थाल है, एक सिगनी स्पेशल थाल है, सिर्फ स्टार्टर आएगा उसके अंदर जी, चांदनी चौक थाल है, मीना बाजार थाल ना। कितने लोग उसमें खा सकते हैं, कितना कुछ उसमें वैरायटी है? अलग अलग है, जैसे कि एक थाल है हमारा सबसे बड़ा, उसमें तकरीबन 10 लोग खा सकते हैं, जो 10 तक खाना अंदर लगाया जी, उसमें 10 लोग खा लेंगे आराम से। हाँ जी पूरा, तो सारी वैरायटी आएंगी उसके अंदर, स्टार्टर, मेन कोर्स, नान, बिरयानी, कोरमा, चिकन भुना, बगैर रोटी रोल वगैरह सब आएंगे। चिकन कोबे कबाब है हमारे पास, एक वो भी आता है स्टार्टर के अंदर। क्या कॉस्टिंग रहेगी इसकी? 2400 रुपये 2400 रुपये में 10 आदमी खाते हैं। तो देखा आपने कि 250 रुपये से भी कम में आपको बहुत अच्छा कुछ जो है सभी एक साथ खाने को मिल सकता है यहाँ पर। और अभी तक हम बात ही कर रहे हैं दोस्तों, जैसे हमारे सामने ये स्टार्टर है, अलग अलग अच्छे अच्छे स्टार्टर है, सूप है, सूप तो कहीं भी खाने जाओ तो उसकी जान सबसे पहले सूप ही याद आता है, तो काफी अच्छा भी। वाओ नाइस, मंचूरियन सूप है, आप देख सकते हैं प्लेटर भी, ये अलग अलग वैरायटीज चिकन में है। नाइस, बहुत अच्छा, आप जरूर यहाँ पर विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छा अनुभव आपको मिलेगा और सर्विस भी बेहतरीन। दोस्तों स्टार्टर हमने देखा और प्लेटर, उसके बाद में सूप, अब ये थाल है हमारा सामने, आप देख सकते हैं थाल को अच्छे से सजाया गया है और काफी सुंदर तो दिखाई दे रहा है ये सजावट में, तो टेस्ट करके भी देखते हैं। काफी बेहतरीन है, एक बार फिर से आपसे यही कहूंगा, एक बार जरूर विजिट कीजिए, आइए आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज की जर्नी हम खत्म करें इसके पहले, इनसे हमने आपको मुलाकात करवाई, अशरफ जी असलम भाई, इनसे हमने आप मुलाकात करवाई आपकी, और इन्होंने जो इनकी यहाँ की जो खासियत है उसके बारे में बताया। और आपको ये बता दें कि इनको इस लाइन का काफी अनुभव है, मुंबई में बड़ी बड़ी जगह पर इन्होंने करीब 30 साल से इसी लाइन में होटल के व्यवसाय में ये काम कर रहे हैं, काफी अच्छा अनुभव है। इनके साथ एक और हाशिम भाई हमारे साथ खड़े हैं, यही वो शख्स है जिनके हाथों का जादू वो हमने देखा अभी, और एक्चुअली ये दिल्ली से है, दिल्ली के जो वैरायटीज है वो खुद ये कुक करते हैं, खुद बनाते हैं, थोड़ा इनसे मुलाकात करते हैं बहुत चंद समय में, बहुत ज्यादा समय आपसे नहीं लेंगे जी। जी जी हाशिम सर बताइए कि दिल्ली से यहाँ का सफर कैसे आना हुआ पहले ये जल्दी? ये सफर तो बहुत लंबा है, 2004 से है। फिलहाल जो मैं आया था तो मेरे दोस्त हैं अर्शियान, उन्होंने मुझे बुलाया था बॉम्बे में, तो उन्हीं के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, काफी वक्त से काम करता आ रहा हूँ। दिल्ली का नाम काफी मशहूर है खाने पीने के इस मामले में, दिल्ली वासी बड़े ही, तो आप भी वहीं से यहाँ लाए हो, क्या क्या खासियत है, क्या क्या चीजें और उसको बनाने के लिए क्या स्पेशलिटी लगती है? देखिए मैं पुरानी दिल्ली से हूँ, जो दिल्ली का दिल माना जाता है, हार्ट ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली में आप जाएंगे तो सबसे पहले पुरानी दिल्ली जरूर जाना है, क्योंकि खाने का जो एक मरकज है वो वही है,
तो आपको वहाँ एक अलग अलग वैरायटी, एक अलग टेस्ट, एक पुराना ऑथेंटिक जो चीजें हैं वो आज भी वहाँ कायम है वैसे ही। जैसे नहारी है दिल्ली की मशहूर है बहुत, कोरमा है, दम बिरयानी है, सीख कबाब है, काफी मतलब ऐसी वैरायटीज हैं जो आपको दिल्ली में ही मिलेंगी। वो टेस्ट को लेके हम यहाँ पे आए हैं, वो सारी चीजों को लेके, और वहाँ के मसाले भी हैं, दिल्ली के मसाले भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। नहीं, हमने अभी पूरा इतना काफी समय से हम यहाँ है और अभी हमारा जर्नी ये खत्म करने का समय है, जैसे मैंने वीडियो में बताया। तो हमने भी हर एक चीज टेस्ट की, माशाल्लाह काफी बेहतरीन टेस्ट था। शुक्रिया, तो बहुत अच्छी चीज है। अब ओवरऑल अशोक भाई, एक मिनट और आपका लूंगा, ओवरऑल जो यहाँ का, जैसा हमने अभी थाल देखा, प्लेटर था, तो एक बार हमें तो मालूम है कि बिल कितना हुआ, लेकिन जरा इनको पब्लिक को भी मालूम पड़ना चाहिए, ताकि बजट जो है ना एक अहम चीज है लाइफ में। देखिए, जो अपना जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमने इसको बनाया तो बहुत खूबसूरत है, अच्छा इसमें सब कुछ करा है हमने, लेकिन खाना जो है वो पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब बहुत महंगा नहीं है। मतलब आप एक फैमिली के साथ आके यहाँ पर आराम से 900 रुपए में एक अच्छा प्लेटर एंजॉय कर सकते हैं, जो चार लोग पांच लोग आराम से खा सकते हैं। और भरपेट खाना खाना हो तो फैमिली के लिए कितना, उसमें फिर अलग अलग है, मतलब 900 रुपए से स्टार्ट है जी। 900 रुपए से अगर हम पांच लोगों का लगाएं तो मेरे ख्याल से 200 रुपए पर हेड भी नहीं आता, 200 रुपए से भी कम रहता है। और फिर वही है कि इसमें आप थोड़ा और अच्छे जाएंगे तो 1200 का है, 1500 का है, 2000 का भी है, 2400 का, अफोर्डेबल है। जी 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 जी। तो ये हम बात कर रहे थे दिल्ली दरबार, A1 दिल्ली दरबार में हम आए, आज की हमारी जर्नी रही। अब जब हमने ऊपर भी आपसे जब हम खाना टेस्ट करे तो तभी कहा कि आप आइए जरूर यहाँ का एक बार अनुभव लीजिए। तो अंत में फिर से एक बार यही कहना चाहेंगे के काफी बेहतरीन यहाँ का माहौल है, क्लीनिनेस आप देख सकते हैं किस तरह का क्लीनिनेस है, ऊपर हमने आपको बताया किस तरह का वहाँ बैठने का व्यवस्था है, सब कुछ है, तो काफी हमें अच्छा लगा है। और आप भी आएंगे तो निश्चित ही आपको भी काफी बेहतर लगेगा, एक बार जरूर विजिट कीजिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, वसई नवा सुपारा से यूसुफ अली, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।